नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मेंटल हेल्थ थिंकर में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करेंगे वी हैव टू एक्सेप्ट मिनिमलिज्म फॉर बेटर मेंटल हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, मेरा आज का जो तात्पर्य है वीडियो का ये है कि जो मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल है, मिनिमलिज्म, थोड़ा मैं हिंदी में आपको उसका अर्थ दे दूँ। मिनिमलिज्म मतलब कम से कम चीज़ों के साथ जीना, कम से कम मटेरियलिस्टिक वे को छोड़ करके ज्यादा से ज्यादा मिनिमलिज्म की ओर बढ़ना और अपनी जो भौतिक जरूरियातें हैं उसको कम से कम रखना। दोस्तों आज मैं देखता हूँ कि भारत की जो 130 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसमें से लोअर मिडिल क्लास बहुत ही ज्यादा है। और भारतवर्ष के बारे में जब हम बात करें तो ये जो मिडिल क्लास है वो मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो रहा है। खास करके अगर शहरों की बात करूँ तो वहां पे उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही दिखावे के लिए, और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में यह चीज आज बैठ गई है कि अगर आप मटेरियलिस्टिकली आपके पास वेल्थ है या आप जो भी ये भौतिक चीज वस्तु है जैसे कि कार है या बड़ी कार है या ब्रांडेड कार है, बड़े बड़े मॉल्स में जाना, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट में खाना खाना, काफी सारी चीजें हैं, बिग लिस्ट आप बना सकते हो उसका, कि यही चीजों के आसपास अपना हैप्पीनेस। अगर आपके पास फाइनेंशियली वेल्थ है तो कोई गलत बात नहीं है, आपको डेफिनेटली जाना चाहिए और ये सारी चीजें करनी चाहिए। पर तब क्या होता है कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हो तो वो आपके स्ट्रेस के कारण कहीं ना कहीं नहीं बनेगा। पर अगर आप लोअर मिडिल क्लास से आते हो या मिडिल क्लास से आते हो तो फिर ये चीजों के पीछे भागना कहीं ना कहीं शांति से दूर होना है। गाँव की भी मैं बात करता हूँ तो वहां पे भी काफी सारे ऐसे ओकेशन है जहाँ पे लोग बहुत ही खर्चा कर रहे हैं। अगर आपके पास, मैंने बोला कि एक रेगुलर इनकम सेट है और अगर आप कर रहे हो तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो दिखावे वाली बात है कि हमारे पड़ोसी ने किया, हमारे कम्युनिटी में लोगों ने किया, हमारे सोसाइटी में दूसरे लोग वो ने इस तरह से बहुत ही बड़ा फंक्शन किया तो हमें भी करना है, नहीं, हमें हमारी फाइनेंशियल कंडीशन और जो भी हमारी इकोनॉमिकल वेल्थ है उसके तहत ही अपना डिसीजन लेना चाहिए। अगर किसी के पास है कोई बड़ा छाकम छोड़ अगर कर रहे हैं तो उनको मुबारक, पर हमको, क्योंकि अगर जब हम ये सारी चीजों के पीछे अपनी जो जमा पूंजी होती है या अगर हम मॉर्गेज करके ये सब करते हैं तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही, और खास करके जो घर के सोर्स ऑफ अर्निंग है, जो लोगों के हाथ में इनकम है, जो लोग इनकम जनरेट करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा दबाव बढ़ता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी खुशी, आपका पीस ऑफ माइंड आपके अंदर से आता है। अगर बाहरी दुनिया में इसका कोई एंडोर्समेंट मिले या ना मिले, आपको अगर आप बहुत ही खर्च करें या दिखावे के लिए कुछ न करें, फिर भी अगर आपके अंदर पीस ऑफ माइंड है, आपका अपना जहन अपने हाथ में है तो आप शांत रहोगे, आप खुशी से रहोगे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य ये है कि दिखावे के लिए और ये मटेरियलिस्टिक जो भी आज पूरा एक माहौल बन रहा है उसके पीछे हम न जाए। मिनिमलिज्म वेस्टर्न वर्ल्ड में, क्योंकि वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, पश्चिम के जो जगत है, उन्होंने ये मतलब पूरी फली भांति समझ लिया है कि आप कुछ भी कर लो मटेरियलिस्टिक चीजों से आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है, हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आपके अंदर है, तो हमारे अंदर ही हमें खुशी ढूंढनी चाहिए। और हमें दिखावे के लिए अपने लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रेस को आमंत्रण, मतलब उसको इन्वाइट नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो के माध्यम से मेरी आपको तहे दिल से ये गुजारिश है कि मिनिमलिज्म को आपके दिल में लाइए। मिनिमलिज्म होगा तभी कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। जो तनाव है, जो मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर के तनाव है, मटेरियलिज्म को लेकर के तनाव है, और ये जो भौतिक चीज वस्तुओं के जो एक एडिक्शन हमें हो गए है, उस तनाव को कम करने के लिए नहीं, मिनिमलिज्म की ओर जाना चाहिए। घर छोटा हो या बड़ा, आपके पास कार हो या ना हो, आपके पास महंगे गैजेट्स हो ना हो, आपकी खुशी कहीं ना कहीं आपके दिल में और आपके हाथ में है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।